नमस्कार दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृतियों में वाद्य यंत्र चल रहे थे, जिसमें हमने गण पढ़ लिया था, गण वाद्य यंत्र पढ़ लिया था, सुशीर वाद्य यंत्र पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे तंत या तार वाद्य यंत्र भी आप इसको बोल सकते हो। कौन सा टॉपिक चल रहा था? वाद्य यंत्र चल रहा था। क्या चल रहा था? वाद्य यंत्र कला एवं संस्कृति में चल रहा था, जिसमें हमने एक पढ़ लिया था पहले, कौन सा? गण वाद्य यंत्र, ठीक है। दूसरा पढ़ लिया था हमने कौन सा? सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कौन सा? तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो तार के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तार के बने होते हैं। क्या? तत्वाद्य यंत्र, ठीक है, तार से बने होते हैं। और इसको बजाते समय क्या होता है? जब कभी लंबे समय तक या कभी जोश जोश में बजाने से क्या होता है? उंगलियां बिगड़ सकती है, इसलिए इसको क्या करता है? उंगलियों में मिजराइल, जो मिजराइल होती है वो पहन कर बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? एक मिजराइल आती है, वो पहन कर क्या करते हैं? इसको बजाते हैं, उंगलियों में मिजराइल पहना जाता है। देखो, एक होता है पुकबाज, एक होता है गज। क्या होता है? एक पुकबाज होता है और एक क्या होता है? गज। गज कैसा होता है? ये तो होता है धनुषाकार। कैसा होता है? धनुषाकार होता है, ठीक है। धनुष होता ना वैसा होता है, ठीक है। धनुषाकार होता है गज, और पुकबाज कैसा होता है? धनुषाकार होता है। उसकी क्या होती है? जो ये होती है ना, ये तार, ये किसकी होती है? ये घोड़े की पूंछ की बनी होती है। किसकी? घोड़े की पूंछ का जो बाड़ होता है उससे बनी होती है, और उससे बजाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पुकबाज बोला जाता है। गज होती है, गज के। और यहां पर क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे गुगरे लगे होते हैं, ठीक है। किसके? पुकबाज के। जो तार का बना वाद्य यंत्र होता है उसे क्या बोला जाता है? तत्वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र बोला जाता है। जिसमें हम क्या है, इसके जो जितने भी प्रकार है वो हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? तार के आधार पर पढ़ेंगे, यानी जो तारों के भाग है उसके आधार पर हम क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक तारा। एक तारा पढ़ेंगे, उसमें कितने तार होंगे? उसमें एक तार होगा। कितना तार होगा? उसमें एक तार होगा। सबसे पहला कौन सा है? एक तारा। एक तारा, एक तारा। हम तारों की बात करें तो कितने तार है? एक तार है। एक तार से शुरू करेंगे, लगभग 25 या 26 तारों के जो वाद्य यंत्र होते हैं वहां तक हम इसका अध्ययन करेंगे। एक तार के होते हैं, और ये किन का वाद्य यंत्र है? ये जो हमारे मेड़ता की हुई थी, कौन? मीरा। मीरा का क्या वाद्य यंत्र है? वे नारद जी का भी क्या है? एक तारा वाद्य यंत्र है। किसका? मीरा का। वे नारद जी का क्या है? ये वाद्य यंत्र है। वो नारद जी क्या है? सबसे प्राचीन है, तो ये भी क्या है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्या है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कौन सा? एक तारा। एक तारा क्या होता है? वाद्य यंत्र। और ये कैसा बना होता है? ये बना होता है ऐसे, ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है। ये क्या? ये वाद्य यंत्र, एक तारा। उसके बाद हम बात करें दुतारा। दुतारा का मतलब दो तार। दुतारा के नाम से ही पता चलता है। इसमें कितने तार होंगे? इसमें दो तार होंगे। कितने तार? दो तार होंगे। इसको कौन बजाते हैं? इसको काल बेली या वे नाथ जाति बजाती है। कौन? एक तो काल बेलिया, और कौन? नाथ जाति बजाती है। काल बेलिया वे नाथ जाति द्वारा बजाते हैं, बजाती है। काल बेलिया वे नाथ जाति क्या करती है? इसको बजाती है। उसके बाद चिकारा। चिकारा, चिकारा का मतलब इसमें तार कितने हैं? तीन तार है। कितने तार है? तीन तार है। चिकारा में कितने तार है? तीन तार है। और प्रसिद्ध कहां का? ये अलवर का है। कहां का है? अलवर का, ठीक है। और ये बजाया कहा जाता है? ये बजाया किसे बजाया जाता है? ये गज से बजाया जाता है, जो धनुषाकार होते हैं। ये तो चिकारा। एक होता है चिंकारा। एक बार राजस्थान पुलिस में पढ़ा था कि चिकारा होता है पशु होता है, पेड़ होता है, वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। तो ये चिकारा, ये चिंकारा, चिकारा जो चिंकारा है, ये क्या? चिंकारा जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई, वो तो क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है। और चिकारा जिसके बिंदी नहीं लगी हुई है, वो क्या है? वो एक वाद्य यंत्र है। उसके बाद अगला है चौतारा। चौतारा, या इसको आप तंदूरा भी बोल सकते हो। चौतारा, या आप इसको क्या बोल सकते हो? तंदूरा। चौतारा या तंदूरा, ये क्या होता है? चौतारा या तंदूरा, इसको कौन बजाता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसमें तार कितने होते हैं? इसमें चार तार होते हैं। और इसको कौन बजाते हैं?
इसको बजाते हैं रामदेव जी के भगत, रामदेव जी के भगत बजाते हैं, रामदेव जी के भगत बजाते हैं, ठीक है। कौन बजाते हैं? रामदेव जी के भगत बजाते हैं, ठीक है। रोइडा में ये किस कौन सी लकड़ी बनी होती है? रोइडा की लकड़ी का बना होता है। किसकी लकड़ी का? रोइडा की लकड़ी का बना होता है, रोइडा की लकड़ी का बना होता है, क्या? तंदुरा या चौतारा। उसके बाद ये कहता है वीणा, वीणा में कितने तारों की होती है? चार तारों की होती है। और वीणा जो है ये माता सरस्वती का क्या है? ये वाद्य यंत्र है। किसका? माता सरस्वती का क्या है? ये वाद्य यंत्र है, ठीक है। नारद जी का आपको पूछ ले तो कौन सा? एकतारा है। मीरा का अगर आपको पूछ ले कि वाद्य यंत्र कौन सा है तो एकतारा है। और वीणा अगर आप माता सरस्वती का आपको पूछ ले कि वाद्य यंत्र कौन सा था तो वीणा था। और ये वीणा होता कैसा है? ये होता है ऐसा, ठीक है। यहां पर खुंटियां या किले लगी होती है और इसके ऐसे तार बंधे होते हैं। ऐसे क्या बंधे होते हैं? चार तार बंधे होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद हम बात करें नंबर पांच की, रबाब, 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 ठीक है। रबाब की हम बात करें तो रबाब की हम बात करें तो इसमें तार कितने होते हैं? इसमें चार या पांच तार होते हैं। कितने तार होते हैं? चार या पांच। देखो वो आवश्यकता के अनुसार अपने हिसाब से वो तार सेट कर सकते हैं। इसको मिजराब या गज से इसको क्या करते हैं? बजाया जाता है। किससे? मिजराब, मिजराब या इसको किससे बजाया जाता है? गज से बजाया जाता है, ठीक है। किससे बजाया जाता है? मिजराब या गज से बजाया जाता है। तो मिजराब या गज से बजाया जाता है क्या? रबाब। आकृति इसकी होती है सारंगी जैसी। कैसी होती है? सारंगी जैसी होती है। कैसी होती है इसकी आकृति? सारंगी जैसी होती है, ठीक है। ये छह नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का? ये छह नंबर का है। तो इसकी आकृति कैसी होती है? सारंगी जैसी। मुख्यतः पांच तार होते हैं इसमें। कितने? मुख्यतः तो कितने होते हैं इसमें? पांच तार होते हैं। जिसमें से हम बात करें तो चार तार तो किसके बने होते हैं? बकरे की आंत के बने होते हैं। किसके? बकरे की जो आंत होती है उसके बने होते हैं क्या? चार, चार तार। और एक जो तार होता है वो किसका बना होता है? वो पूंछ का बना होता है, ठीक है। और ये कहां बजाया जाता है? ये अलवर टोंक मेवाड़ में बजाया जाता है। कहां? अलवर टोंक और कहां? मेवाड़ में इसका बजाया जाता है। इसको किसको? रबाब वाद्य यंत्र को, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट और इंपोर्टेंट कौन सा आता है? जंतर। जंतर वाद्य यंत्र जो है, जंतर वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? इसमें होते हैं पांच या छह तार। कितने तार? पांच या छह तार होते हैं। तारों की आपको संख्या पूछ ले कि जंतर में कितने तार होते हैं? पांच या छह तार होते हैं। इसको वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। किसका? वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। किसको? जंतर को। प्रारंभिक रूप किसको माना जाता है? जंतर को माना जाता है। और ये होता कैसा है जंतर, अगर आपसे पूछ ले तो जंतर होता ऐसा। इसमें दो तंदूरे लगे होते हैं। कितने तंदूरे लगे होते हैं? इसमें दो तुम्बे लगे होते हैं और यहाँ पे ऐसे खूंटियां होती है, ठीक है, और ऐसे तार लगे होते हैं इसमें। ये क्या हो गया? ये जंतर हो गया। ऐसे दो तुम्बे लगे होते हैं। और हमने बात की थी वीणा की, वीणा में कितने होते हैं? एक तुम्बा होता है। ये किसमें काम आता है? ये देवनारायण जी का जो फड़े वाचन होती है उसमें इसको बजाया जाता है। किसमें? भगवान देवनारायण जी की जब फड़े वाचन होती है तब इसको बजाया जाता है। किसमें? भगवान देवनारायण जी की फड़े में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा? जंतर बजाया जाता है, ठीक है। और ये कहां बजाया जाता है? ये मेवाड़ और अजमेर के सेक्टर में ये क्या करते हैं? इसको बजाया जाता है, ठीक है। और भगवान देवनारायण जी का जो संबंध है वो कहां से है? अजमेर से है। तो अजमेर में इसको क्या करते हैं? बजाया जाता है। उसके बाद एक मोस्ट और इंपोर्टेंट जो होता है वो कौन सा आता है? रावण हता। रावण हता जो घरों में हमारे जो मांगने के लिए आते हैं, ये मोस्ट है, ध्यान रख लेना, जो मांगने के लिए आते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वो रावण हता ही बजाते हैं, ठीक है। इसको नायक भोपा, नायक जो भोपा होता है वो किसका होता है? वो पाबू जी का होता है। किसका? नायक भोपा, नायक भोपा, नायक भोपा, ठीक है। नायक जो भोपा होता है वो पाबू जी का फड़े वाचन इसी वाद्य यंत्र से करता है। पाबू जी के फड़े का जो वाचन है वो इसी वाद्य यंत्र से करते हैं। कौन?
जो नायक भोपा होता है, ठीक है, वादन किससे करता है, ये पुक पुकवाज या गज से करता है, गज या पुकवाज से क्या करता है, ये वादन पकड़ता है। इसमें कितने तार होते हैं, इसमें 9 तार होते हैं, कितने तार होते हैं, 9 तार होते हैं, जिसमें दो मुख्य, कितने, दो मुख्य, दो मुख्य कौन कौन से, एक तार तो घोड़े की पूंछ के बाल का बना होता है, ठीक है, और एक तार किसका बना होता है, घोड़े की पूंछ के बाल का बना होता है, ठीक है, बाल का बना होता है किसमें, रावण हत्ते में, ठीक है। और प्राचीन लोकवाद्य यंत्र वाद्य में आता है किसमें, प्राचीन लोकवाद्य यंत्र में आता है, क्या, रावण हत्ता, प्राचीन लोकवाद्य यंत्र में, प्राचीन लोकवाद्य यंत्र में आता है कौन, रावण हत्ता। रामदेव जी की फड़े हुए हम लोक देवताओं में पढ़ते हैं डूंगर जी व जुम्हार जी की कथा का जो वाचन होता है इसी रावण हत्ते से होता है, किसका, जो रामदेव जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़, ठीक है, वह डूंगर जी वे जमार जी जो कथा है वो इस वाचन होती है वो इसी रावण हत्ते से वाचन की जाती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा था गण, उसके बाद तत्व, इसका मैंने विस्तार से वीडियो अपलोड कर दिया है, और उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, गण और सुशीर पढ़ा था, उसके आज हम कौन सा पढ़ रहे, तत्ववाद्य यंत्र, जो तार के बनने जो वाद्य यंत्र होते हैं उसे क्या बोला जाता है, तत्ववाद्य यंत्र बोला जाता है, जिसमें हमने एक तारा पढ़ा था, एक तार वाला, दो तारा, दो तार वाला, चिकारा तीन तार वाला, ठीक है, और तंदूरा चार तार वाला, वीणा भी चार तार वाली, रबाब भी चार या पांच तार वाली, और हम बात करें जंतर के 5 छह तारों के, रावण हत्ता जिसमें कितने तार होते हैं, 9 तार होते हैं, ठीक है। अगला जो हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे जो 10 तारों का होगा वो कौन सा है, सुरिंदा, जो 10 तारों का होता है वो कौन सा है, सुरिंदा। 9 तारों तक हमने अध्ययन कर लिया और 25-26 तारों तक हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। अगला जो है 10 तार वाला कौन सा, सुरिंदा। सुरिंदा कितने तारों का है, 10 तार का, कितने तार का है, सुरिंदा 10 तार का है। मुख्य तो इसमें 3 तार होते हैं, ठीक है, 2 स्टील के होते हैं, ठीक है, और 1 तार होता है। मुख्य तो कितने हैं, 2 तार, जिसमें एक तो किसका है, इसमें मुख्य तो कितने तार है, इसमें मुख्य तो 3 तार है, जिसमें 2 किसके, स्टील के, और 1 तार होता है, ठीक है। 2 तार किसके होते हैं, झील, वे 5 तार किसके होते हैं, जाड़ के होते हैं। 2 तार किसके होते हैं, झील के, और 5 तार किसके होते हैं, जाड़ के लगे होते हैं। 5, 2, 7, 8, 9, 10 हो गए ना, ठीक है। अब हम बात करें तो ये बना किसका होता है, तो ये लोहेड़े की लकड़ी का बना होता है, किसका, ये रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है, रोहिड़े की लकड़ी का क्या होता है, ये बना होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सुरिंदा की बात कर रहे हैं। 7 नंबर का हमारा क्या है, वाद्य यंत्र चल रहा है, किसमें, तत्ववाद्य यंत्र में, और मारवाड़ में इसको लेंगा जाती बजाती है, कौन बजाती है, मारवाड़ में लेंगा जाती बजाती है, लेंगा जाती क्या करती है, इसको बजाती है। आकृति इसकी कैसी होती है, सारंगी होती है, शेष सुरिंदा, शेष सारंगी। आकृति आपको पूछ ले कि कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है सारंगी जैसी, कैसी होती है, सारंगी जैसी इसकी क्या होती है, आकृति होती है। वादन, वादन इसका अंगुलियों को स्पर्श करके इसका वादन किया जाता है, अंगुलियों को इसके क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है और इसका वादन किया जाता है। उसके बाद एक है रवाज, अगला कौन सा है, रवाज, एक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, कौन सा, रवाब, वो अलग है, ये रवाज, ठीक है। रवाज जो, ये कितने तार होते हैं, इसमें 12 तार होते हैं, ठीक है, कितने तार होते हैं, 12 क्या होते हैं, तार होते हैं, जिसमें हम बात करें तो 4 तार तो किसके होते हैं, बकरे की आंत के बने होते हैं, और हम बात करें 8 किसके बने होते हैं, तरंग के, तरंग का मतलब ये मिक्स तार होते हैं, ठीक है। और इसको कैसे बजाया जाता है, बिना गज के बजाया जाता है, ऐसे ही बजाया जाता है, बिना गज के, गज यानी प्रयोग नहीं लिया जाता है इसमें। इसमें हम वादन की बात करें तो मारवाड़ में रावणों की रमत में इसको बजाया जाता है, किसमें, मारवाड़ में जो रावणों की
रावणों की जरूरत होती है मारवाड़ में, रावणों की रमत में इसको क्या करते हैं बजाया जाता है, ठीक है। मारवाड़ में रावणों की जरूरत होती है उसमें क्या करते हैं इसको बजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर नौ, नौ है कामेचा। नंबर नौ कौन सा? कामेचा। कामेचा की हम बात करें तो कामेचा यहाँ का नहीं है, कहाँ का है? ये ईरान से आया हुआ है। कहाँ से? इसलिए इसको ईरानी वाद्य यंत्र बोला जाता है, ईरान से आया हुआ है। इसको सारंगी की रानी कहते हैं। किसकी? किसको कहते हैं? इसको सारंगी की रानी कहते हैं। किसको? कामेचा को। किसकी रानी? सारंगी की रानी कहा जाता है। इसमें तारों की हम बात करें तो 16 तार है। कितने तार है? 16 भाग है, जिनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। भाग जो पहला है, जो भाग प्रथम है, वो क्या है? वो तार है। उनको क्या बोला जाता है? रोंदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोंदा बोला जाता है। भाग जो दूसरा है, जिसमें कितने तार है? 9 तार है। भाग पहले में कितने है? 3 तार है, ठीक है। इसमें कितने है? 3 तार है, इसमें 9 तार है। और इसको क्या बोला जाता है? जाड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाड़ बोला जाता है। और जो नंबर तीसरे का जो है, इसमें कितने तार रह गए? इसमें भी 3 तार रह गए हैं। और इसको क्या बोला जाता है? तरब बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको बिना गज के बजाया जाता है। और कौन बजाती है? मांगणियार, वे लेंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। बिना गज के बजाया जाता है, ठीक है। बिना गज के मांगणियार और लेंगा जाति क्या करती है? इसको बजाती है। वे लेंगा जाति क्या करती है? इसको बजाती है। किसको? कामेचा को। ईरान चाहिए इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ईरानी वाद्य यंत्र बोला जाता है। सारंगी की इसको क्या बोला जाता है? रानी बोला जाता है। अब देखो सारंगी की इसको रानी बोला जाता है, तो हम सारंगी ही पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। सारंगी, सारंगी हम पढ़ते हैं। सारंगी में अगर आपको तारों की संख्या पूछ ले तो 27 तार होते हैं। कितने? 27। और किससे वादन होता है इसका? कैसे बजाया जाता है? गज से। इसका क्या होता है? गज से इसका वादन होता है। बकरे के आंत वे सांगवान की लकड़ी की बनी होती है। सारंगी कैसे बनी होती है? बकरे की आंत वे सांगवान की लकड़ी की बनी होती है। सांगवान की लकड़ी बनी होती है, ठीक है। बकरे की आंत वे सांगवान की लकड़ी की क्या बनी होती है? सारंगी बनी होती है। पश्चिम राजस्थान में हम बात करें तो लेंगा जाति द्वारा ये बजाई जाती है। किसमें? कहां पर बात करें हम पश्चिम राजस्थान में तो कहां कौन बजाती है? वहां पर लेंगा जाति द्वारा ये बजाई जाती है। क्या? सारंगी, ठीक है। इससे कामेचा का राजा कहते हैं। किसका? कामेचा का राजा कहते हैं। कामेचा का राजा कहते हैं। काम उल्टा हो गया, ठीक है। देखो सारंगी की रानी किसको बोला जाता है? सारंगी ये कामेचा बोला जाता है। और कामेचा का राजा किसको बोला जाता है? कामेचा ये। यानी उल्टा सिस्टम है इसमें, ठीक है। प्रकार की बात करें, इसमें भी सारंगी में भी कुछ प्रकार है। अलग अलग सेक्टर के हिसाब से इसके प्रकार बांट दिए गए हैं। जैसे गुजरात में सारंगी है, अल्लाबू सारंगी है। प्रकार कौन से? कौन कौन से? गुजरात में सारंगी है, गुजरात में सारंगी, अल्लाबू सारंगी, ठीक है। ये क्या है? इसके प्रकार है। दानी सारंगी है, सीधी सारंगी है, दानी सीधी। ये क्या है? ये अलग अलग इसके क्या है प्रकार है। डेढ़ी पसली सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी, ये क्या है? ये इसके प्रकार है। किसके? सारंगी के, ठीक है। अब आगे एक आता है बेपन। 11 नंबर का क्या है? बेपन। एक आगे आएगा एपन। 12 नंबर का कौन सा आएगा? एपन। 11 नंबर का कौन सा? चलो ठीक है, एपन को अलग से ले लेते हैं। 11 नंबर का कौन सा? बेपन। बेपन कैसा होता है? ये डमरू के जैसा होता है। कैसे होता है? ये डमरू के जैसा होता है। डमरू देखा होगा ना कैसा है, वैसा ही होता है। क्या? बेपन, ठीक है। और कद्दू से बनाया जाता है इसको। कैसे बनाया जाता है इसको? कद्दू से इसको बनाया जाता है। कद्दू, कद्दू देखा होगा ना आपको, उससे बनाया जाता है। मेवात में जो जग जाति होती है, जोगी जाति होती है, वो बजाती है। कौन? मेवात में। मेवात में कौन बजाती है? जोगी जाति। जोगी जाति क्या करती है? इसको बजाती है। इसके दो कारीगरों का नाम आता है, एक जहूर खां, एक फारूक मावेती। जारूक खां और एक फारूक मेवाती। ये क्या है? ये इसके दो क्या है? कारीगर। किसके? ये बेपन के दो कारीगर है। कौन? जहूर खां और फारूक मेवाती।
तो लगभग हमारे 11 क्या हो गए वाद्य यंत्र हो गए, किसमें तत्व वाद्य यंत्र में जो तार के वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं, 2-3 और बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, जिसमें 7 नंबर सुरेंद्र पढ़ लिया था, रवाज पढ़ लिया, कामेचा और सारंगी और वेपंग पढ़ लिया था। अब एक हमारा बच्चा कौन सा, एपंग, एपंग वाद्य यंत्र, वेपंग और एपंग दोनों ही किसमें तत्व वाद्य यंत्र में माना जाता है, गिना जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, एपंग, कितने नंबर का है ये, 12 नंबर का एपंग। एपंग की हम बात करें तो ये कैसी होती है, ये लंबी लौकी के तुम्बे में लकड़ी फंसा कर उससे खाल में मार दिया जाता है। जो लंबी लौकी होती है उसमें क्या करते हैं, तुम्बे में लकड़ी फंसा कर उस खाल में इसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और इसमें तार कितने होते हैं, 2 होते हैं, तार कितने होते हैं, 2 होते हैं, कितने तार होते हैं, 2 होते हैं। और भील व ग्रासिया जाती लकड़ी से इसका क्या करती है, वादन करती है, कौन करती है वादन, भील व ग्रासिया, भील व ग्रासिया का क्या करती है, इसे लकड़ी से इसका क्या करती है, वादन करती है, किससे, लकड़ी से क्या करती है, वादन करती है, कौन, भील व ग्रासिया जनजाति। और भील व ग्रासिया जनजाति किस तरफ पे, मेवाड़ साइड है, यानी दक्षिण राजस्थान में, तो इसका वादन भी कहां होगा, दक्षिण राजस्थान या मेवाड़ क्षेत्र में इसका क्या होता है, वादन होगा। अगला जो हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे वो है दुकाकू, कौन सा, दुकाकू, दुकाकू जो वाद्य यंत्र है, दुकाकू वाद्य यंत्र की हम बात करें, ये बेलो द्वारा दीपावली पर बजाते हैं, किसके द्वारा, ये बेलो द्वारा दीपावली पर बजाया जाता है, बेलो द्वारा दीपावली पर बजाया जाता है, दीपावली पर बजाया जाता है। ठीक है, और इसको होली पर भी बजाया जाता है, इसको इसलिए क्या बोला जाता है, धार्मिक वाद्य यंत्र बोला जाता है, क्या बोला जाता है, धार्मिक वाद्य यंत्र बोला जाता है, किसको, दुकाकू को बोला जाता है। और प्रसिद्ध गांव का है, वागड़ सेक्टर का है, और वागड़ सेक्टर कौन सा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रसिद्ध गांव का ये वागड़ सेक्टर का है। ठीक है, वागड़ सेक्टर में आपको पता है कौन कौन से सेक्टर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। और ये किसका बना होता है, ये तुम्बे का बना होता है, किसका बना होता है, ये तुम्बे का बना होता है, किसका, तुम्बे का बना होता है। और इससे क्या किया जाता है, नकवी से क्या किया जाता है, इस पर प्रहार किया जाता है, नकवी से क्या करते हैं, इस पर प्रहार करते हैं, नकवी से क्या करते हैं, इस पर प्रहार करते हैं, नकवी, नकवी से क्या करते हैं, इस पर प्रहार करते हैं। और हम बात करते हैं ये दिखती कैसी है, तो ये सारंगी जैसी दिखती है, कैसी, सारंगी जैसी ही ये दिखाई देती है हमको देखने पर। उसके बाद एक 14 नंबर की सवर मंडल, सवर मंडल, सवर मंडल की हम बात करें, सवर मंडल है, इसमें तार कितने होते हैं, 21 से 26 होते हैं, कितने तार होते हैं, तार 21 से 26 तार इसमें होते हैं, किसमें, सवर मंडल में। और वादन, इसका वादन क्या होता है, पश्चिम राजस्थान में मांगने आ जाती द्वारा, किसके द्वारा, पश्चिम राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में मांगने आ जाती द्वारा इसका क्या करते हैं, वादन किया जाता है, किसका, सवर मंडल वाद्य यंत्र का। ठीक है, आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति होती है चौकोर, किस कैसी होती है आकृति, इसकी चौकोर आकृति का यह होता है। और किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये लकड़ी की बनी होती है। इसे मर्द कोकिला भी बोला जाता है, मर्द कोकिला वीणा बोला जाता है इसको, सौर मंडल क्या बोला जाता है, मर्द कोकिला वीणा बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको, इसको सूरज मंडल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सूरज मंडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके 2 उपनाम हो गए, मर्द कोकिला वीणा और सूरज मंडल, सूरज मंडल किसका उपनाम है, ये सौर मंडल का है। उसके बाद ये केंद्रा या केद्रु, लास्ट है ये केंद्रा या केद्रु वाद्य यंत्र, लास्ट बच्चा है, किसमें लास्ट बच्चा है, ये तत्व वाद्य यंत्र में, तारों का जो वाद्य यंत्र है उसमें लास्ट बच्चा है। उसके बाद हमारा अवनद वाद्य यंत्र है वो रहेंगे, उसके प्रकार रहेंगे, ये वागड़ सेक्टर में रावण जोगी ने, ये भगवान शिव ने रावण जोगियों को दिया था, रावण जोगी जो थे इन्होंने भगवान शिव की क्या की थी, तपस्या की थी, और भगवान शिव ने शिव से ये क्या मांगा था, ये केंद्र या केद्रु मांगा था। और बागड़ सेक्टर का ये प्रसिद्ध है, बागड़ सेक्टर के जो रावण जोगी थे उन्होंने शिव जी की क्या की थी, तपस्या की थी, और उन्होंने उनसे क्या मांगा था, ये वाद्य यंत्र मांगा था केंद्र या केद्रु, तो ये भगवान शिव ने दिया था, किसको दिया था, भगवान शिव ने दिया था, किसको दिया था,
तो ये दिया था रावल जाति के, रावल जाति के जो जोगी होते हैं ना उनको दिया था, ठीक है। और कहाँ के थे वो वागड़ सेक्टर के थे, वागड़ यानी मैंने अभी बताया था डूंगरपुर बांसवाड़ा ये वाला सेक्टर है, ठीक है। और ये कब बजाया जाता है, तो ये बजाया जाता है मकर संक्रांति पर। कब बजाया जाता है ये, मकर संक्रांति पर ये क्या करते हैं इसको बजाया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहां तक तीन हमारे वाद्य यंत्र हो गए। अब लास्ट एंड फाइनल हमारा एक वाद्य यंत्र बचा है, कौन सा, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, ठीक है दोस्तों। तब तक राम राम।